जय हिंद। हरियाणा पुलिस कमांडो की आपके जो ग्राउंड रिपोर्ट है फिजिकल के बारे में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपका अगर कोई भी डाउट है फिजिकल के बारे में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखिएगा, अगर आपका कोई भी कमेंट हम पढ़ते हैं उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप वेट कीजिएगा, अगली वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बात करें आपके जो डाउट आई थी पिछली वीडियो में, उसको हम आपके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा डाउट आपका रनिंग को लेकर, कि आपकी जो रनिंग है वो कब होगी और कहाँ पर होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब देखिए एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बनती है आपकी रनिंग के बारे में। वो पॉसिबिलिटी क्या है, एक नोटिफिकेशन देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका ये वाला नोटिफिकेशन है जो कि आपका स्टार्टिंग में पब्लिश हुआ था, उसमें आपको ये कहा गया है कि आपकी जो रनिंग होने वाली है 13 सितंबर 2021 से स्टार्ट होकर और आपकी 26 सितंबर 2021 तक चलने वाली है। लेकिन अभी आपका एक और नोटिस आया था, उसमें आपको ये कहा गया कि आपकी जो फिजिकल है जो कि आपकी यहाँ पर दी गई है 10 सितंबर तक, वो अब आपकी 2 दिन एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि 12 सितंबर तक आपकी फिजिकल चलने वाली है। तो क्या अब जिनका फिजिकल 12 सितंबर को है, और अगर मान लीजिए अपन क्वालिफाई हो जाते हैं, तो क्या 13 सितंबर को उनकी रेस होगी या फिर नहीं होगी? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी फिजिकल स्टार्ट कब से हुई थी? 13 अगस्त 2021 से। तो पहले जिनकी फिजिकल आएगी 13 सितंबर को, वो केवल उनकी फिजिकल आएगी जो कि आपके 13 अगस्त को फिजिकल देने के लिए गए थे और आपकी क्वालिफाई हुए थे। तो अब आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए। आपकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये बनती कि शायद आपकी जो फिजिकल है, आपकी जो रनिंग है, वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि 13 अगस्त सितंबर से स्टार्ट यहाँ पर है, तो ये मानिए कि 2 से 3 दिन, फिर 4 से 5 दिन एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन ये मानिए कि 1 हफ्ते से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो आपको अपने रनिंग के लिए तैयार होना है, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर अगर आपका फिजिकल होने वाला है पीएमटी वगैरह और आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको रनिंग की तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये तो हमारी बात होगी कि आपकी जो फिजिकल होने वाली है, आपकी जो रनिंग होने वाली है, वो कब होने वाली है। अब बात करें कहां पर होने वाली है, तो देखिएगा आपके कमांडो की भर्ती की जो भी प्रोसेस होने वाली है, वो सब आपके पंचकुला में होगी, यानी कि आपके जो फिजिकल है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह, जंप वगैरह, चिनम्स वगैरह, ये सब आपके कंडक्ट हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं? आपके पंचकुला में। इसके बाद आपकी जो रनिंग होगी वो कहाँ पर होगी, वो भी आपके पंचकुला में होने वाली है। अब बात करें आपकी जो रेस होने वाली है, वो ट्रैक पर होगी या फिर आपकी रोड पर होगी। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कमांडो को छोड़कर, आपके जो एसआई की पोस्ट है, आपके जो कॉन्स्टेबल की पोस्ट है, तो वहाँ पर आपकी पहले क्या होता था कि आपकी जो फिजिकल होती थी पुलिस डिपार्टमेंट की, आपकी 5 किलोमीटर होती थी, वो आपके कहाँ पर होती थी? रोड पर होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया कि उस 5 किलोमीटर रेस को आपका आधा कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? आपका 2.5 किलोमीटर। तो अब भी आपकी जो 2.5 किलोमीटर की रेस होती है कॉन्स्टेबल की, एसआई की, वो अब भी आपकी रोड पर होती है। लेकिन कमांडो के केस में हम थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। वो क्यों मिल सकता है? क्योंकि आपके जो कमांडो के नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट हैं आपके कमांडो के फिजिकल की रनिंग के लिए, वो आपके कम हैं। कम क्योंकि पहली बात तो फॉर्म ही कम अप्लाई हुए हैं, दूसरी बात अगर आपके जो फॉर्म है वो कम अप्लाई हुए हैं, तो आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पीएमटी में बाहर हो जाएंगे, यानी कि जो पीएसटी के लिए जो कैंडिडेट बचने वाले हैं वो बहुत ही कम बचने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम एक पॉसिबिलिटी ये भी मान सकते हैं कि आपकी जो रनिंग हो सकती है आपकी ट्रैक पर, ग्राउंड पर हो सकती है। वैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है? रोड की है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी जो है फिजिकल, आपकी रनिंग वगैरह आपकी ट्रैक पर कंडक्ट करवा ली जाए। अब एक बात सबसे मेन बात है, क्या रनिंग में जिस प्रकार से आपके आर्मी की फिजिकल होती है कि आपका ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में से आपके कैंडिडेट जो है आपके पकड़े जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कमांडो के फिजिकल में, रनिंग में आपके चिप बांधी जाएगी। क्या बांधी जाएगी? चिप बांधी जाएगी। और आप कितने भी टाइम में आइए, 7 मिनट 30 सेकंड से पहले आपको आना है। अगर उस टाइम में आप 4 मिनट 20 सेकंड में, आप 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट 30 सेकंड तक आते हैं, तो आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, चाहे आप ग्रुप में आए या फिर ग्रुप में ना आए, इसका कोई चक्कर आपका नहीं रहेगा। तो बस आपको क्या करना है कि अपना टाइम सेट करना कि इस टाइम में जब अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है, वो टारगेट आपका 7 मिनट 30 सेकंड से पहले का होना चाहिए। तो ये कुछ आपकी डिटेल है आपकी रनिंग के बारे में। तो अब उम्मीद करता हूँ कि रनिंग के बारे में कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। इसके अलावा कुछ और डाउट, जैसे कि देखिए आपके जो कैंडिडेट है कितने पास हो रहे हैं, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो कि बाहर हो रहे हैं, वो किस में हो रहे हैं? या तो आपके सबसे ज़्यादा आपके हाई जंप पे बाहर हो रहे हैं, क्योंकि हाई जंप वगैरह है वो आपका थोड़ा सा कठिन होता है। इसके अलावा बात करें नंबर 2 पे किस में बाहर होते हैं ज़्यादा, वो आपके हाइट में हो रहे हैं, यानी कि अगर आपकी हाइट देखिएगा 174 पॉइंट कुछ भी है, तो भी आप क्वालिफाई कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर 172, 173, अगर 174 तक है, तो क्वालिफाई आप नहीं किए जाओगे। अगर पॉइंट में
0 पॉइंट कुछ अगर आपकी कम है तो आपकी जो है दिक्कत है नहीं आएगी, हाइट आपकी पूरी कर दी जाएगी। तो इसके अलावा ये ऐसे दो केस हैं। इसके अलावा जैसे कि चिनम्स वगैरह आपका, या फिर आपका हम कहें चेस्ट मेजरमेंट वगैरह, उसमें बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बाहर होते हैं। तो बस आपकी मेन चीज़ क्या है, अगर आपकी हाइट पूरी है और आप जम अच्छे तरीके से लगा सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जो आपके ये फिजिकल को क्वालिफाई करने में। अब देखिएगा कुछ और डाउट जो आपके पिछली वीडियो में आए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक जो डाउट है कि अगर आप जिस टाइम चिनअप्स लगाते हैं तो चिनअप्स लगाने टाइम क्या आप अपने हाथ जो है मोड़ सकते हैं? तो देखिए, आपको बस इतना कहा जाएगा कि अपने एक गोल पाइप आपका, उस गोल पाइप से लटकिए। अब लटकने के बाद आपको ना ही तो कोई काउंट किया जाएगा कि एक, फिर आपको नीचे आना है, फिर दो, फिर नीचे आना है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको अपने चिनअप्स लगानी है, वो चिनअप्स आपको कंप्लीट करनी है। अब आप हाथ मोड़ के कीजिए, आप लगातार कीजिए, आप रुक कर कीजिए, आपको कोई मनाही नहीं है, यानी कि वहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं है। अपने चिनअप्स आप बिल्कुल आसानी से अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको कंप्लीट करनी होगी। ओके, उसके बाद देखिएगा कुछ और डाउट, जैसे कि आप जंप लगाने के लिए कितने दूर से दौड़ सकते हैं। तो जंप लगाने के लिए आप जितनी दूर से चाहें, जहाँ से आपकी स्पीड बन सकती है, जहाँ से आप अच्छा जो है कि यह माने कि अपना जंप लगाने के लिए एक स्पीड बना सकते हैं, उतनी दूर से अपने हिसाब से आप लोग दौड़ सकते हैं। अब एक बात, जंप लगाने के लिए सबसे मेन पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो जंप वो क्या है कि जंप लगाते वक्त आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे कि मान लीजिए आप 100 मीटर दूर से दौड़े हैं, आपके डंडे के जैसे कि 100 मीटर की दूरी उससे आप दौड़ने वाले हैं। तो जब आप 100 मीटर दूर से दौड़कर आते हैं और आप डंडे के पास से कूदने वाले होते हैं, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपका कौन सा पैर आगे आना चाहिए। और बहुत सारे जो कैंडिडेट है क्या करते हैं कि एक पैर उनको आगे करना होता है, लेकिन जब वो उसे कूदने के लिए डंडे के पास आते हैं, हाई जंप वाले डंडे के पास, तो वो कन्फ्यूज़ होकर जो पैर उनको आगे लाना चाहिए था वो आपके नहीं लाते हैं, दूसरा पैर एकदम से आगे ला लाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो हाई जंप है वहाँ पर आपका नहीं लगा पाता है। आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने माइंड में एक स्ट्रेटजी रखनी है कि जब मैं कूदने वाला हूँ तो मुझे वहाँ पर अपना दायां पैर आगे लाना है या फिर आपका बायां पैर। वैसे देखिएगा पॉसिबिलिटी आपके ज़्यादा, जो एक आसान तरीका होता है अपना, सबसे पहले आपको दायां पैर आगे लाना है और दायां पर आपको अपने डंडे के पहले और फिर आपका दूसरा पैर पीछे वाला बायां पर वो आपको ले जाना है। इस प्रकार से जंप आपको लगाना है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपके माइंड में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब मैं आपके डंडे से कूदूंगा तो मुझे किस प्रकार का जंप लगाना है, और जंप लगाते वक्त आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, अपनी जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसी को फॉलो करना है। देखिएगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने अलग अलग तरीके से अपना जंप लगाते हैं, आपको उनको देखकर जंप नहीं लगाना है। अगर आपने जंप पहले लगाया हुआ है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको केवल वही फॉलो करनी है। तो जब मैं आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी, तो देखिएगा ये कुछ आपके मेन पॉइंट हैं जो कि फिजिकल के बारे में आपको ध्यान रखने चाहिए थे। तो देखिएगा अगर आपका कमांडो की भर्ती के बारे में और कोई डाउट है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी आपको वही बात में बोल रहा हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको हर एक डाउट आपको लिखना है। जो भी आपका डाउट है हम आपके अगले वीडियो में आपका बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके डाउट थे आपके फिजिकल के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर आपके कवर कर लिए हैं पिछली वीडियो के। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वेट कीजिएगा अगली वीडियो का, हम वहाँ पर आपके हर एक डाउट को कवर कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे के नए अपडेट के लिए जब तक आपकी कमांडो की भर्ती पूरी नहीं हो जाती है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, हर एक जो आपका डाउट वहाँ पर क्लियर किया जाएगा, आपके कमांडो तक हम आपके हर एक अपडेट आपको पहुँचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।